नमस्कार, देसी रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आ गई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट कटलेट, एकदम नए तरीके से बनाएंगे हैं आज हम, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हैं। सबको पसंद आते हैं, बच्चों को और भी ज्यादा पसंद आएंगे। तो इसमें मैंने अपनी मनपसंद सब्जियां ले ली है, आपको जो भी सब्जी अच्छी लगे आप वो डाल लें। मैंने यहाँ पे ले ली है तो हरी मिर्च काट ली मैंने, बारीक काट ली, धनिया ले लिया है यहाँ पे काट के, हरा धनिया ले लिया है, थोड़ा सा मटर ले लिया है और 5 हमने आलू ले लिए, एक छोटी शिमला मिर्च काट ली है और एक मैंने गाजर यहाँ पे ले लिए। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए है, यहाँ मैंने 4 चम्मच ले लिया है कॉर्नफ्लोर। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल, मैं बता दूं काफी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये कॉर्नफ्लावर क्या होता है, मक्के का आटा होता है क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मक्के का आटा ऐसा नहीं होता है, ये आरारोट, आप जानते हो, सब लोग जानते हैं आरारोट, वो ये उसी का ही काम करता है, बिल्कुल वैसा ही है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आरारोट ले लीजिए। और मेरे हिसाब से मैंने आरारोट को भी देखा है, इसको भी देखा है, ये सेम एक जैसे ही लगते हैं। मुझे एक अच्छा सा घोल बना लेना है, तो मैंने इस तरह का गाढ़ा सा घोल बना लिया है। आपको इसी तरह से बनाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैदा भी ले लें या आरारोट ले लें, कुछ भी नहीं है तो मैदा ले लो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको दिखाना है कि जो ये ब्रेड है इनको मुझे किनारी जो ये है आप देख पा रहे हैं, ये ब्राउन कलर की किनारी चारों तरफ से मुझे निकाल देनी है इनको, और सिर्फ ये व्हाइट वाला हिस्सा लेना है। किनारी इनकी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप ब्रेड रखिए और काट दीजिए साइड से। मैंने किनारी निकाल दी है, इसी तरह मैं सब ब्रेड की किनारी निकाल देनी है मुझे। और चाकू से आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो साफ कैंची होती है जो घर पे किचन में, तो आप इससे बहुत ज्यादा जल्दी कट जाएगा और आपके लिए बहुत आसान होगा। ये देखो कट गया। इससे कैंची से काटने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा ब्रेड नहीं कटती है, जितना आप काटोगे सिर्फ उतना ही कटेगा। तो एक ये एकदम सरल उपाय है हमारा वाला, जल्दी करने वाला। तो मैंने सब ब्रेड को कट करके रख लिया। अब जो ये हिस्सा है इनको हमें मिक्स जार में पीस लेना है, दरदरा यानी कर लेना है मुझे। और इन आलूओं को, ये बॉयल आलू है, इन आलूओं को मुझे बारीक फोड़ लेना है, एकदम कद्दूकस नहीं करना है, क्योंकि इनका जो फ्लेवर मुंह में आता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा आलू दिखना चाहिए इस तरह का, हमें सब कर लेना है। तो इनको भी हम फोड़ ले रहे हैं। तो मैंने ये ब्रेड की किनारियों को दरदरा पीस लिया है और इनको मुझे थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेना, यानी हल्का सा मुझे भून लेना है, इसलिए कि एकदम कड़क हो जाए। बहुत ही क्रंची क्रंची कटलेट बनने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं, एकदम मजा ही आ जाना है। तो ये हो गया है, तो हमको इसको निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया और आपको सुनाया इसकी आवाज कितना बढ़िया। तो बहुत कम डालूंगी इसमें मसाले। तो तेल गरम हो गया, जो मैंने ये सब्जियां काटी हैं धनिया को छोड़ के, मुझे सब कुछ डाल देना है इसमें। तो मैंने डाल दिया ये, और आलू अभी नहीं डालना है, इनको मुझे हल्का सा फ्राई कर लेना है और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ नमक ले लिया, नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि यहाँ पे हम चाट मसाला यूज करने वाले हैं, तो नमक आप ध्यान से डालें। और इनको मुझे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है, साथ में थोड़ी सी हम डाल देंगे हींग। अगर आपको जीरा पसंद है तो आप जीरा डाल सकते हैं, हम यहाँ जीरा पाउडर यूज करेंगे। तो सब्जियां हो गई हैं, इसी में हम डाल देंगे जो ये मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, इनको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी मसाले में। इसी समय हम 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, हल्दी धनिया मिर्चा मुझे नहीं डालना है, 1/4 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच ऑरेगानो, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर ये भुना हुआ है, 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर। बस मुझे इतनी सारी चीजें लेनी थी। आप इनको जो ऑर्गेनो डाला उसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट नहीं मिलेगा आपको मार्केट में भी, तो आप घर पे बना सकते हो। तो इनको सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस कर लेना है बंद। इनको हमने मिक्स कर लिया, अब इसको कढ़ाई को हम उतारे ले रहे हैं और उसमें अब हम धनिया ऐड कर देंगे। तो कढ़ाई भी मैंने रख दिया, अभी गैस ऑन नहीं किया है, मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल। इनको मुझे सबसे पहले पतला सा इनको बेल लेना है हमें। आप कुछ अच्छा खाओगे तो थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी ही, तो थोड़ी सी मेहनत करो और बढ़िया खाओ। तो इसी तरह मुझे एकदम से पतला इनको बेल लेना है, सबको ऐसे ही बेल के रख लेना है। तो सबसे पहले हमें एक ब्रेड को ले लेना है और इसमें ये जो मैंने आलू का मसाला बनाया है इसको हमें रख लेना है इस तरह से लंबाई में,
और इसको चारों तरफ से एकदम अच्छे से बंद कर लेना है, ये देख रहे हो। और जो मैंने ये एक घोल बनाया है कॉर्नफ्लावर का, तो इसको भी हमें इसमें थोड़ा सा चिपका देना है इस तरह से, जिससे ये हमारा ब्रेड का दूसरा हिस्सा अच्छे से इसमें चिपक जाए इस तरह से। और इसको और इधर से हमें इसको यूं चिपका के बंद कर लेना है थोड़ा सा घोल को लगाते हुए इस तरह से। और इस तरफ भी इसी तरह हमें इस तरफ भी बंद करना है, थोड़ा सा घोल लगाया और इसको इस तरह से हमें चिपका देना। और अब इसको सही से आकार आप जो भी देना चाहे, लंबे से गोल से, आपको जो भी इसका आकार पसंद आ रहा है आप वो बना लेंगे। तो ये मैंने एक बना लिया है, इसी तरह हम सबको बना लेंगे। एक हम आपको और दिखा रहे, मैंने एक ब्रेड ले लिया है और थोड़ा सा आलू का जो मसाला बनाया है इसको हम ले लिए हैं, और इनको हम इस घोल से थोड़ा सा इस तरह से चिपका देंगे, लगा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसको किया इस तरफ और ये लिक्विड वाला हिस्सा किया इस तरफ, और दोनों साइडों में मुझे ये घोल को लगा लेना है। और इस तरफ से मुझे बंद कर देना है। आप चाहो तो ऐसे चौकोर हिस्से में भी कर सकते हैं, ये भी आकार बहुत अच्छा लगता है। तो हम इस तरह से अब सबको बना के रख के ले रहे हैं। तो ये मैंने सबको बना के रख लिया, और आप देख सक रहे हैं कितना सुंदर इनका आकार बनाया है, चौकोर टाइप के बनाए हैं, क्योंकि इनका आकार जब फ्राई होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने ये घोल बनाया है तो इसमें ये धनिया पत्ती गिर गई है, क्योंकि मैंने इसी से इसको सही से चिपकाया है। तो अब इसको करना क्या है, एक मैंने ये रोल उठा लिया है, इसको इसी में अच्छे से डिप कर लेना। आप चाहे तो मैदा ले सकते हैं, और इसको लगाने से क्या होता है कि जो आपके ये कटलेट बन रहे हैं ये बहुत ज्यादा क्रंची बनेंगे। और मैंने जो ये ब्रेड का बढ़िया से भून के एकदम क्रंची सा ये पाउडर टाइप का बनाया है, तो इसमें मुझे चारों तरफ से लगा के इसको रख देना है, जो कि ये बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ाने वाला है। तो आप एक बार ऐसे जरूर ट्राई करें, बहुत ज्यादा सच में मजा आई आ जाएगा आप एक बार ऐसे बनाएंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और आज की आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज शेयर भी करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सबको हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है, और जो तैयार होते जाए उनको हमें एक प्लेट में रख लेना है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको ये स्टोर करके रखनी है तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये खराब नहीं होंगे, बस फ्रिज में इनको रखना है, और जब मर्जी हो तब आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे चाय के साथ, और चाय नहीं है तो चटनी के साथ अच्छे लगेंगे। तो सबको हमें इसी तरह कर लेना है। तो हमने सबको मैरिनेट कर लिया है, मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई और तेल हो रहा है गरम, अब इनको हम करेंगे फ्राई। और इसका सबसे अच्छी चीज क्या है, जितना आपको खाना है उतना ही फ्राई कर लो, बाद बाकी फ्रिज में रख दो, जब मर्जी हो तब खाओ। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो ये तेल हमने गरम होने रख दिया है, तेल हो गया है गरम, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। आराम से डालिएगा, तो यहाँ मैंने चार ऐड कर दिए, और आप एक बार ऐसे जरूर ट्राई करें, इनको पलट लेना है ना, एकदम मजेदार नाश्ता। तो आपको गैस को हाई फ्लेम पे रखना है और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, और इतने क्रंची हो रहे हैं, सच में बहुत क्रंची बन रहे हैं। तो ये फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल ले रहे हैं एक प्लेट में, और कलर भी आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। गैस को हमें इस समय निकालते समय लो कर देना है, और इनको आराम से हमें निकाल लेना, देखो कितना प्यारा आकार इनका हो गया है। तो मैं आपको इसी समय सुनाऊंगी इनकी आवाज, क्योंकि बहुत क्रंची है, ये देखो, ये नहीं एक ही, सारे इतने बढ़िया बने हैं। तो इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने नई तरीके से कटलेट बना के तैयार किए हैं, और देख पा रहे होंगे आप कितना अच्छा लग रहा हो, बस हरी मिर्च हमारे पेड़ की जो मैंने आपको दिखाया,
वाह कि मैंने हरी मिर्च ले ली एकदम ताजी ताजी और कुछ धनिया के पत्तों से मैंने सजाया। अब मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे लगते हैं ये। तो ये मैंने ग्रीन चिली सॉस ले लिया और वो मीठी चटनी है, मैंने चटनी का वीडियो डाल रखा है खट्टी मीठी चटनी का और हरी चटनी का। तो मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगी और ऐसे भी दिखा रही हूँ कितने क्रंची हैं ये देखो। तो आपको मैं एक कट करके अब दिखाऊंगी तो कितने क्रंची हैं ये देखो, कितने बढ़िया हैं। नई रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।